नमस्कार कैसे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में सीई मतलब भाजपा का जो चुनाव विंग है उसकी बैठक थी ताकि वो ये तय किया जाए कि आने वाले समय में जो तीन राज्यों में चुनाव है उसकी प्रक्रिया कैसे तय हो उसमें चुनाव समिति के सदस्य प्रधानमंत्री मोदी भी, भी हैं तो प्रधानमंत्री मोदी भी आमंत्रित थे जब प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यालय में आए तो तय सी बात है कि मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनके स्वागत के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी तैयारी की थी फूलों की बारिश हुई प्रधानमंत्री पर और सा माहौल बनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी को जी ट्वेंटी के लिए उपलब्धि के लिए उन्हें सम्मानित किया गया तो ये चुभ गया कांग्रेस को और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने देखिए क्या कह दिया खेरा ने कहा कि शहादत वाले दिन बीजेपी जश्न मना रही है यह बाबशाह के जश्न की महफिल है ये बादशाह ऐसा जश्न मनाते हैं जब हमारी सेना शहादत देती है दरअसल एक बार फिर राजौरी में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जब भारतीय सेना और पुलिस एक्टिव हुई तो राजौरी के उस सर्च ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट का बलिदान हो गया इस बलिदान में तुरंत आनंद फानन में आतंकवादियों को ढेर किया गया और सेना अपना काम कर रही थी पुलिस अपना काम कर रही थी लेकिन हर किसी को अपना काम करना होता है उसी दौर में बीजेपी कार्यालय में जो चुनाव समिति की बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति थी मोदी अपने ढंग से हमेशा राजनीति के दांव पेच में लगे रहते हैं और अक्सर उसमें कांग्रेस फंस जाती है दरसल शहादत वाले दिन बादशाह के जश्न की महफिल सजी ऐसा कह करके पवन खेरा ने फिर अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार ली अब सोचिए यदि आतंकवादियों ने भारतीय सेना के जवानों को ढेर किया है तो हमारी आर्मी छोड़ेगी क्या फिर 2024 के चुनाव का दौर है और राजौरी का बदला यदि भारतीय सेना अंदर घुस करके फिर लेगी सर्जिकल स्ट्राइक से तो फिर ये कांपेंगे जो आज प्रधानमंत्री को प्रवोक कर रहे हैं कि शहादत वाले दिन भारत के प्रधानमंत्री के लिए महफिल सजी हुई थी बादशाह के लिए वही कांपेंगे तब याद कीजिए सत्यपाल मलिक जो आजकल मोदी विरोध में कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं ढाई सौ किलो का सत्यपाल मलिक बरबोला बना हुआ है जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहा सत्यपाल मलिक जब वहां से हटाए गए जब जम्मू कश्मीर विभाजित हुआ तीन सौ सत्तर लागू किया गया तो एक राज्यपाल को उपराज्यपाल बनाकर वहां नहीं रखा जा सकता था तो सत्यपाल मलिक को गोवा भेज दिया गया गोवा का राज्यपाल सत्यपाल मलिक को यही चुभन हुई कि मैं इतने बड़े राज्य का राज्यपाल था गोवा जैसे छोटे राज्य का राज्यपाल बना दिया सत्यपाल मलिक अपनी लकीर अपने मोटे शरीर की तरह बड़ा नहीं करना चाह रहे थे सत्यपाल मलिक का वहीं से बरबोलापन बदमिजाजी शुरू हुआ और अपने ही सरकार के खिलाफ जो राज्यपाल राज्य में प्रतिनिधि होता है केंद्र का जहर उगलने लगा तो उन्हें मेघालय मेघालय भेज दिया गया में वो और जहर उगलने लगे उसके बाद तब भी प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की उनका कार्यकाल चार साल पूरा हो गया वो जब कुर्सी से बाहर उतरे तो जहर की पुरिया और तेज खोल दी सत्यपाल मलिक के एक एक बयान आपको याद होंगे इनकी शकल नहीं पहचानी जाएगी ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर-चूर हो जाएगा। सब सहमत हो गए सारी पार्टियां सहमत हो गई मैं बहुत लंबा भाषण कर दिया भाई तो नहीं कहना चाहता हूँ कि ये मौके रोज नहीं मिलते हैं ये मौका अभी फिर तो पांच साल को बाद जाएगी और पांच साल में तो ये इतनी बर्बादी कर देगा कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते साल में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा तो मैं काफी आपका समय लिया सत्यपाल मलिक ने यहां तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी की गत होगी ये सिख उन्हें छोड़ेंगे नहीं आपको उनके बयान याद होंगे सत्यपाल मलिक ने यहां तक कह दिया कि पुलवामा की तरह ये लोग कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं पुलवामा की तरह हमला होगा पुलवामा की तरह शहीद होंगे और उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक करके ये फिर माहौल बनाएंगे इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कह दिया कि राम मंदिर निर्माण के समय ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं इसका मतलब क्या है इस तरह की आतंकी गतिविधि को अंजाम क्या यही लोग देते हैं इन्हें सब कुछ पता होता है यह बात उद्धव ठाकरे ने भी कह दी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अयोध्या पर बोल रहे थे सोचिए जिसके पिता ने ये क्रेडिट लिया था कि हमने बा, हमने बाबरी विध्वंस किया हमारे शिव सैनिकों ने किया उसका बेटा उद्धव ठाकरे कह रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के दिन जश्न मनाया जाएगा देश भर से गाड़ियां जाएंगी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे और लौटते समय साबरमती एक्सप्रेस जैसा कांड होगा और उसके बाद बोधरा होगा ये उद्धव ठाकरे बोल रहे कांग्रेस की गोद में खेलते खेलते महान सेकुलर होते जा रहे उद्धव ठाकरे का यह बरबोलापन एकदम से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा की तरह लगता है तो सोचिए कि यदि पुलवामा की तरह कुछ हुआ तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को उसका बदला या भारतीय सेना को नहीं लेना चाहिए महत्वपूर्ण यह है कि जब राजौरी में आतंकी हमला को का पुरजोर तरह से भारतीय आर्मी ने उसका मुकाबला किया उसमें इंडियन आर्मी और भारत जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट का बलिदान हुआ आतंकी ढेर हुए तो मामला और आगे तक जाएगा तो जो लोग आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह कटाक्ष कर रहे हैं कि बादशाह महफिल जमा रहा है महफिल सजी है जश्न मनाया जा रहा है क्या फिर वही रोएंगे कि प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किया कांग्रेस अक्सर अपने ही दांव में फंस जाती है दरअसल कांग्रेस अपनी लकीर ही छोटी कर, कर, करती जा रही है अपने विरोधी की लकीर छोटी करने के षड्यंत्र में कांग्रेस अपनी ही लकीर तबाह और बर्बाद कर रही है सत्यपाल मलिक उद्धव ठाकरे पवन खेरा के बयान यह बताते हैं कि क्या इन सब का एजेंडा मोदी विरोध में घोर भारत विरोध का हो गया है क्या ये सब भारतीय सेना और भारतीय पुलिस के दुश्मन बनते जा रहे हैं इन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जश्न आतंकियों के हमले से हो रहे हैं और फिर जब इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी उन पर हमला करेगी तो फिर इनकी पीड़ा होगी राहुल गांधी चीन पर रोते हैं जब चीन को पीछे धकेला जाता है जब चीन फेल्योर होता है जी ट्वेंटी में तो राहुल चीन का गाना गाने लगते और चेले भारतीय सेना की शहादत पर ऐसा कटाक्ष करते इंडियन आर्मी पुलवामा की तरह यदि बदला लेगी तो फिर यही बैकफुट पे आएंगे और रोना रोएंगे आज का कटाक्ष कल आंसू बन जाएगा कांग्रेस का और देश समझ जाएगी कि कांग्रेस का असली खेल क्या है और उनके इशारों पर नाचने वाले सत्यपाल मलिक और उद्धव ठाकरे का षड्यंत्र क्या है बहुत बहुत धन्यवाद